Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 23. So, अगर आप पूरा playlist follow कर रहे होगे, तो आपने notice किया होगा कि हमने अभी तक तीन important topics cover किए. First topic में हमने discuss किया introduction about machine learning, जो पहले 5-8 videos हैं. उसके बाद हमने start किया data gathering और फिर हमने start किया EDA. ठीक है, सो इस पॉइंट तक अगर आप नोटिस करो तो हमें इतना आ गया है कि डेटा को अपने पास ला के हम उसके ऊपर बेसिक लेवल डेटा एनालिसिस कर पा रहे हैं. ठीक है, अब आज के वीडियो से अगले आई डोंट नो 10-15 वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स कॉल्ड फीचर इंजीनियरिंग. ठीक है, सो इस वीडियो में आई विल टेल यू ऑल अबाउट फीचर इंजीनियरिंग, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फीचर इंजीनियरिंग और उनको कब अप्लाई करना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे और फिर एक एक करके उन सारे टेक्निक्स को एक एक करके वीडियोस में डिस्कस करेंगे आगे के 10-12 वीडियोस में. ठीक है, सो आई विल शेयर द स्क्रीन एंड विल स्टार्ट आवर डिस्कशन. सो गाइज, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फीचर इंजीनियरिंग. ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, फीचर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डोमेन नॉलेज टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम रॉ डेटा. These features can be used to improve the performance of machine learning algorithms. See, बहुत सिंपल सा फंडा है. आपके पास अगर डेटा है, it does not mean कि उस डेटा को आप डायरेक्टली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में दे सकते हो. डेटा को आपको प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर योर मशीन लर्निंग मॉडल, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. और जब आप रॉ डेटा से एक ऐसा डेटा क्रिएट करते हो जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल कंज्यूम करेगा, उस प्रोसेस को बोला जाता है फीचर इंजीनियरिंग. एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको हर जगह पर ये चीज दिखाई देगी, हर कोई आपको ये बताएगा कि फीचर इंजीनियरिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली साइंस. इट मींस एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं होता इसमें, इट्स मोर ऑफ एन आर्ट. ठीक है, मतलब जैसे प्रोग्रामिंग भी एक तरीके से आर्ट है. आई नो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, आपको एल्गोरिदम्स आने चाहिए, बट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है हर किसी की, एक प्रोग्रामर की दूसरे प्रोग्रामर से अलग होती है. नाउ दैट इज एन आर्ट, हर प्रोग्रामर का एक अलग टैलेंट है. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, हर डेटा साइंटिस्ट का अलग अप्रोच होता है फीचर इंजीनियरिंग करने का. ठीक है, तो इसलिए जब आप इस चीज के बारे में पढ़ोगे इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे वीडियोज देखोगे, तो यू वुड सी कि अलग अलग लोग अलग अलग चीजें पढ़ा रहे हैं. इट्स बिकॉज एक सिंगल चीज, एक जनरलाइज चीज इसमें होती नहीं है. तो थोड़ा सा ये ग्रे सॉर्ट ऑफ एरिया है मशीन लर्निंग का, बट ट्रस्ट मी इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट फीचर इंजीनियरिंग के बारे में ये बोला जाता है कि अगर आप एक घटिया एल्गोरिदम को बहुत बढ़िया फीचर्स क्रिएट करके दो, फीचर्स मतलब कॉलम्स, और अगर आप एक बहुत पावरफुल एल्गोरिदम को घटिया फीचर्स क्रिएट करके दो, तो खराब एल्गोरिदम बेटर परफॉर्म करेगा इन कंपेरिजन टू आपका अच्छा एल्गोरिदम. इट इज दैट इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड दैट इज वाई इस चीज के ऊपर हम लोग अराउंड 10-15 वीडियो स्पेंड करने वाले हैं. ठीक है, सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया कि फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है. अगर आप ये पूरा का पूरा पाइपलाइन देखो मशीन लर्निंग का, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल बोल रहे थे, कि आपके पास जैसे ही डेटा आता है, इनिशियल प्री प्रोसेसिंग के बाद आप फीचर इंजीनियरिंग वाला काम करते हो. यहाँ पे जो लिखा हुआ है फीचर एक्सट्रैक्शन एंड इंजीनियरिंग और फीचर स्केलिंग एंड सिलेक्शन, ये दोनों एक्चुअली एक ग्रुप करके आप उसको फीचर इंजीनियरिंग बोल सकते हो. और फिर यहीं से आप आगे बढ़ते हो और अपना डेटा मॉडल करते हो, एज इन एक एल्गोरिदम में डेटा को देते हो और आगे का काम करते हो. तो ये जो स्टेप है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब यहाँ पर फीचर इंजीनियरिंग में और सब स्टेप्स होते हैं. ठीक है, और टाइप्स होते हैं. हम सबसे पहले वो टाइप्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो मैंने एक फ्लो चार्ट बना के रखा है. वो फ्लो चार्ट से आपको एक बढ़िया पिक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ऑनेस्टली जब मैं फर्स्ट टाइम फीचर इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में एक्चुअली एक क्लियर पिक्चर नहीं बन रहा था कि क्या क्या चीजें फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आती है. ठीक है, तो अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहते हो कि क्या क्या फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आता है, तो ये चार चीजें आती है. सबसे पहली चीज जो फीचर इंजीनियरिंग में आती है, उसको बोलते हैं फीचर ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब आपके पास एक फीचर है, मतलब एक कॉलम है, एक इनपुट कॉलम है, और उसको आप किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किसी और फॉर्म में, सो दैट वो बेटर परफॉर्म करे वाइल ट्रेनिंग मॉडल को. जब आप मतलब एल्गोरिदम को जब आप वो डेटा दो, वो कॉलम दो, तो और बेटर रिजल्ट्स आए. तो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन फीचर इंजीनियरिंग. ठीक है, अब उसके अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे कि मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन, हैंडलिंग कैटेगोरिकल फीचर्स, आउटलायर डिटेक्शन,
फीचर स्केलिंग, ये सब कुछ हम एक एक करके थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. Meanwhile, moving on to the second sub step, this is feature construction. So, कभी कभी आपके डेटा में डायरेक्टली कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं होते, आप उनको मैनुअली क्रिएट करते हो बिकॉज आपको लगता है कि अगर ये फीचर्स होंगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे. ठीक है, इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा थोड़ी देर में. उसके बाद आता है फीचर सेलेक्शन, मतलब आप सारे के सारे कॉलम्स, सारे के सारे फीचर्स को एल्गोरिदम को नहीं दे रहे हो, कुछ को हटा ले रहे हो जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. This is called feature selection, ठीक है? And the last one is feature extraction. Given feature में से completely नए features को extract करना programmatically, not manually, programmatically, by using some algorithms. इसके ऊपर भी हम लोग एक discussion करेंगे. अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ये जो हमारे पास chart है, इस chart को अच्छे से समझने का try करते हैं, because इस chart में जो है वही हमारे आगे के videos के topics है, ठीक है? So let's start with the first thing, feature transformation. As I told you, आपके पास एक कॉलम है, वो एक फॉर्म में है, बट वो फॉर्म आपको लगता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देगा एल्गोरिदम के अंदर, तो आप उसमें चेंजेस कर रहे हो. अब वो चेंजेस का नेचर बहुत तरीके का होता है, मैं आपको तीन चार चीजें बताता हूं. सो द फर्स्ट वन इज मिसिंग वैल्यूज. सो अगर आप कभी भी रियल वर्ल्ड डेटा के साथ काम करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि आपका जो डेटा रहेगा उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज रहती है. अब इसका कुछ भी रीजन हो सकता है, हो सकता है कि जिन यूजर से आप कलेक्ट कर रहे थे उन लोगों ने आपको स्पेसिफाई नहीं किया, या फिर डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में कुछ गलती हो गई, कुछ भी रीजन हो सकता है वैल्यूज मिसिंग होने का. बट ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. बड़ा प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि आपकी जो मेन लाइब्रेरी है scikit-learn, वो मिसिंग वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करती वाइल ट्रेनिंग द मॉडल. तो आपको क्या करना होता है, Before training the model, you have to either remove those missing values or you have to fill those missing values. तो ये एक बहुत important step बन जाता है. In fact, इस पूरी pipeline का, इस पूरे feature engineering pipeline का जो first step होता है वो यहीं से start होता है. आप सबसे पहले क्या करते हो, आप सबसे पहले missing values को fill करते हो, ठीक है? अब missing values को fill करने के अलग अलग तरीके होते हैं. कई बार आप क्या करते हो कि मिसिंग वैल्यूज को हटा देते हो, बिकॉज बहुत कम वैल्यूज मिसिंग है तो आप बोलते हो हटा दो, इतने कम डेटा को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. कभी कभी बहुत ज्यादा वैल्यूज मिसिंग होती है तो आप बोलते हो कि इसको फिल करना पड़ेगा. अब फिल करने के अलग अलग तरीके हैं, या तो आप मीन से रिप्लेस कर सकते हो या मीडियम से रिप्लेस कर सकते हो. अगर कैटेगोरिकल डेटा है तो आप मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरी से रिप्लेस कर सकते हो, और इसके अलावा भी और बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं मिसिंग डेटा को फिल करने के लिए. इसको इम्प्यूटेशन बोला जाता है. इस पूरी चीज के ऊपर हम लोग 3 से 4 वीडियोज में, आई गेस 3 से 4 नहीं बट मिनिमम 2 वीडियोज में बहुत प्रॉपर डिस्कशन करेंगे. हम हर टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी टेक्निक कब यूजफुल है कब यूजफुल नहीं है ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फीचर इंजीनियरिंग का, ठीक है? तो ये हो गया सबसे पहली चीज. सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हो आप, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, वो होता है हैंडलिंग कैटेगोरिकल वैल्यूज. सो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखो, आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें एक कॉलम है डॉग बोल के, सॉरी एनिमल बोल के, और उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं, डॉग, कैट, शीप, हॉर्स, लायन करके, ठीक है? अब द प्रॉब्लम विथ दिस काइंड ऑफ डेटा इज कि अगेन आपका जो लाइब्रेरी है scikit-learn वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर काम करता है, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो अब आपके पास एक फॉर्म में डेटा था बट वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इनटू अ डिफरेंट फॉर्म. और वो डिफरेंट फॉर्म क्या है, यहाँ पे आप राइट साइड में अगर देखो तो मैंने क्या किया, मैंने 5 नए कॉलम्स बना दिए. और जैसे कि पहला जो मेरा रो था वहां पे वैल्यू डॉग था, तो मैंने डॉग वाले कॉलम में 1 कर दिया, बाकी सारे कॉलम्स में 0 कर दिया. अब नाउ दिस एंटायर एनकोडिंग 10000 दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ डॉग, ठीक है? तो यहां पर मैंने क्या कर रखा है, इस टेक्निक को बाय द वे वन हॉट एनकोडिंग बोलते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक पूरा वीडियो इसके ऊपर होगा. यहां पर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल को एक न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया. इस तरह की और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं. कभी कभी क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को कैटेगोरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि एज है. अब एज इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट? बट आप क्या कर रहे हो, आपको चाहिए कि एज के रेंजेस चाहिए, 0 से 15 मतलब बच्चा, 15 to 30 मतलब टीन एज, 30 to 45 मतलब अडल्ट. इस तरीके से आपको ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, तो इसको बिनिंग बोला जाता है. तो ये भी एक तरीका होता है ट्रांसफॉर्म करने का फीचर्स को. तो इस तरह के और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज आउटलायर डिटेक्शन.
सो आउटलायर आपको शायद पता होगा अभी तक, शर्मा जी का बेटा, एक ऐसा बंदा जो बाकियों से बहुत अलग है। पूरी क्लास के नंबर आ रहे हैं 50, इस बंदे के नंबर आ रहे 98, 99। तो इस तरह का जो डेटा होता है आउटलायर्स, ये बहुत रिस्की होता है, बहुत डेंजरस होता है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, ये डेटा है हमारे पास, पिंक कलर के डॉट्स हैं, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लीनियर रिग्रेशन लाइन फिट किया। लीनियर रिग्रेशन एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता है जो क्लोजेस्ट होता है सारे पॉइंट्स के। नाउ सिंस यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, इस जगह पे हमारे पास सिंस कुछ पॉइंट्स थे जो कि एक्चुअली आउटलायर्स थे, इस लाइन को, इन पॉइंट्स को कंसिडर करके इस तरीके से ही ड्रॉ करना पड़ा। बट अगर आप, ऑब्वियसली ये गलत है, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर आप इन आउटलायर्स को रिमूव कर दो, तो अब मेरा जो लाइन है वो सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेगा जो मेरा एक्चुअल डेटा का पैटर्न है, और एक डिफरेंट लाइन ड्रॉ करेगा। सो देयर आर सर्टेन एल्गोरिदम्स जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं अगर आउटलायर्स होते हैं डेटा में। तो उस तरह के एल्गोरिदम्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो ये आपका ड्यूटी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एल्गोरिदम को डेटा देने के पहले आउटलायर्स को रिमूव कर दो। अब आउटलायर्स को रिमूव करना, उसके पहले होता है आउटलायर्स को डिटेक्ट करना, और उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और आउटलायर डिटेक्शन के ऊपर भी हम लोग एक या दो वीडियोस के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा फीचर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। द फोर्थ वन इज फीचर स्केलिंग। सो फीचर स्केलिंग का क्या फंडा है कि जब आप सारा का सारा फीचर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो, तो लास्ट में आप मशीन लर्निंग मॉडल को डेटा दे रहे होते हो ट्रेनिंग करने के लिए। बट कभी कभी क्या होता है कि आपके जो इनपुट कॉलम्स है, जो आपके फीचर्स हैं, उनका स्केल बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, आपके पास दो इनपुट कॉलम्स हैं, एक्चुअली आपके पास तीन इनपुट कॉलम्स हैं, बट अगर आप एज और सैलरी पे फोकस करो, तो एज हंड्रेड्स के रेंज में, एक्चुअली टेन्स के रेंज में, और सैलरी थाउजेंड्स के रेंज में। सो अगर आप कोई ऐसे एल्गोरिदम के ऊपर काम कर रहे हो जो दो पॉइंट्स के बीच का यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालने के प्रोसेस से काम करता है, जैसे कि KNN, के नियरेस्ट नेबर, तो होगा क्या कि हर पॉइंट का एक एज होगा और एक सैलरी होगा, राइट? हर पॉइंट का एक एज होगा और एक सैलरी होगा। अब जब आप इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, तो सिंस इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है स्केल में, तो जब आप रूट ओवर ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर लगाओगे, तो ये वाला टर्म बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, सैलरी वाला टर्म बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, और आपका एज उस तरीके से मॉनिटर नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा आपके मशीन लर्निंग मॉडल के बिहेवियर को, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि आप जनरली किसी एल्गोरिदम को डेटा देने के पहले फीचर्स को स्केल कर लेते हो। फीचर्स को स्केल करने का मतलब है एक गिवन रेंज में ले आते हो, जनरली वो रेंज रहता है -1 to 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, मिन मैक्स स्केलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, मीन एब्सोल्यूट स्केलिंग, इन सारे टेक्निक्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले इन अ फ्यूचर वीडियो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे फीचर ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टेज की। अभी तक हमने जो बात की है वो हमने इस चीज के बारे में बात की है, ठीक है, कि आपके पास एक फॉर्म में डेटा है और आप उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसमें और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लॉग ट्रांसफॉर्म हो गया, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म हो गया, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं गाइस, एंड विल ट्राई टू कवर ईच वन ऑफ देम। मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, आई विल स्पेंड अराउंड 10-15 वीडियोस, तो आपका फीचर इंजीनियरिंग मस्त हो जाएगा, दैट इज माई गारंटी। सो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस सेकेंड थिंग, फीचर कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, सो फीचर कंस्ट्रक्शन का एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ by using the Titanic dataset. So Titanic dataset में अगर आपने नोटिस किया होगा, तो दो कॉलम्स थे, एक था सिबलिंग स्पाउस और एक था पेरेंट चाइल्ड। बाय द वे, फीचर कंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हो, आप एक कंप्लीटली नया कॉलम क्रिएट करते हो। ठीक है, अब कैसे क्रिएट करते हो, ये आपके डोमेन नॉलेज के ऊपर होता है, मतलब आप डेटा सेट को कितना जानते हो। ठीक है, या फिर आपके इंट्यूशन के ऊपर होता है, या फिर आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, मतलब बहुत ही, मतलब आर्टिस्टिक सी चीज है, मतलब कोई और बंदा किसी और ढंग से करेगा, आप किसी और ढंग से करोगे, कोई ऐसा सेट मेथड नहीं होता इसका, मतलब मेथड्स भी होते हैं बट जनरली ये बहुत इंट्यूशन बेस्ड चीज होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सिबलिंग स्पाउस बताता है कि आप कितने सिबलिंग या फिर स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हो, और पेरेंट चाइल्ड बताता है कि आप कितने पेरेंट और चाइल्ड के साथ ट्रैवल कर रहे हो।
तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, या फिर एक एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट क्या कर सकता है, वो बोलेगा कि यार ये दोनों है तो फैमिली, आफ्टर ऑल ये है तो फैमिली, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली ऐड देम अप, आई कैन एक्चुअली ऐड देम अप एंड आई कैन क्रिएट अ न्यू कॉलम बाय द नेम ऑफ फैमिली. सो फर्स्ट वाले के लिए यहां पे आएगा 1 और इस वाले के लिए मान लो आएगा 4, बाकी सभी में 1 ही आ रहा है. तो ये हो गया मेरा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ट्रैवलिंग विथ मी. ठीक है, अब इससे भी आप क्या कर सकते हो, आप इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो कि अगर टोटल फैमिली मेंबर्स 0 है तो आप लिख दोगे अलोन, अकेले ट्रैवल कर रहा बंदा. अगर 0 से 4 है तो आप लिख दोगे स्मॉल फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है, और अगर 4 से ज्यादा है तो आप बोल दोगे लार्ज फैमिली में ट्रैवल कर रहा है. तो हुआ क्या, यहाँ पे जो 2 कॉलम्स में मेरा नॉलेज डिवाइडेड था उसको मैंने जोड़ करके, लाइक ग्रुपिंग करके, एक नया इंपॉर्टेंट कॉलम बना लिया. ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं और ये एक्चुअली क्लिक करता है आपके दिमाग में जब आप काम करते हो डेटा के साथ, खूब उसके बारे में पढ़ते हो, समझते हो, तब आपको ये आइडिया क्लिक करता है कि अच्छा कुछ ऐसा करना चाहिए. अब वही है कि ये डेटा टू डेटा वेरी करता है, डोमेन टू डोमेन वेरी करता है, तो ये एक्सपीरियंस के साथ ही आप सीखते हो. बट दिस फीचर कंस्ट्रक्शन थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, फीचर स्प्लिटिंग एक टेक्निक है, ग्रुपिंग एक टेक्निक है, और बाकी खुद से अपने गट फील से, अपने इंट्यूशन से जो आप करते हो वो करते ही. ठीक है, तो दिस वॉज फीचर कंस्ट्रक्शन. नाउ नेक्स्ट इज फीचर सेलेक्शन. फीचर सेलेक्शन जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है कि आपके पास खूब सारे फीचर्स हैं, इनपुट कॉलम्स हैं, और आप उनमें से कुछ इनपुट कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हो. अब इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ. ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है एमनिस्ट डेटा सेट का. सो एमनिस्ट डेटा सेट इज अ वेरी फेमस डेटा सेट मशीन लर्निंग में, स्पेशली डीप लर्निंग में. कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जब आप पढ़ोगे तो आप ये डेटा सेट के ऊपर खूब काम करोगे. तो ये डेटा सेट में क्या है, इस तरह के इमेजेस का, हैंड रिटन डिजिट्स का फोटोग्राफ है, और इस तरह का हमारे पास कुछ 50,000 इमेजेस है. ठीक है, अब ये जो हर इमेज है ये बहुत लो रिजोल्यूशन इमेज है, मतलब सिर्फ 28x28 ही इसका रिजोल्यूशन है. इसका मतलब इस इमेज में टोटल पिक्सल्स कितने हैं, विड्थ वाइज 28, हाइट वाइज भी 28. सो यहां पर अगर आप देखो तो इस इमेज में देर आर 28x28, दैट इज 784 पिक्सल्स, और मोस्ट ऑफ द पिक्सल्स आर वाइट एज यू कैन सी, और ये बीच के कुछ पिक्सल्स जो हैं ये आपके ब्लैक है या ग्रे हैं, और इसी से आपको डिजिट दिखाई दे रहा है. अब यही इमेज को इन लोगों ने क्या किया है, एक टेबुलर डेटा में कन्वर्ट कर दिया है. सो यू कैन सी टोटल मिला के यहाँ पे पिक्सल 1 का वैल्यू, पिक्सल 2 का वैल्यू, यहाँ दिस वॉज पिक्सल 1, दिस इज पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4, दिस इज पिक्सल 28, दिस इज 29, दिस इज 56, इस तरीके से ये पूरा ग्रिड में डिवाइडेड है. तो इस पिक्सल का वैल्यू यहां पर है, इस पिक्सल का वैल्यू यहां पर है, उसी तरीके से लास्ट वाला जो पिक्सल है उसका वैल्यू एकदम लास्ट में होगा, पिक्सल नंबर 784 में. तो इन लोगों ने क्या किया, हर रो को ऐसे ब्रेक किया, ये पहला रो, फिर सेकंड रो को उठाया और यहां पे लगा दिया, फिर थर्ड रो को निकाला यहां पे लगा दिया, और इस तरीके से इन लोगों ने एक इमेज को टेबुलर डेटा में कन्वर्ट कर दिया. यहां पे हर जो रो है, यहां पे एवरी रो इज बेसिकली वन इमेज. यहां तक आई गेस आपको समझ में आ गया. अब इसका मतलब ये हुआ कि इस डेटा सेट में देर आर 784 फीचर्स, ईच पिक्सल इज अ फीचर, राइट? सोच के देखो कितना बड़ा डायमेंशन हो गया इसमें, 784 डायमेंशनल प्रॉब्लम हो गया ये. तो ऑब्वियसली जब आप इसके ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चलाओगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आप 784 डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. बट वॉट इफ मैं सारे के सारे पिक्सल्स को कंसिडर ना करूं, मैं सिर्फ उन पिक्सल्स को कंसिडर करूं जो सच में इंपॉर्टेंट है, और वो पिक्सल्स कौन से हैं, ये सेंटर वाला रीजन, ये रीजन, क्योंकि कभी भी कोई डिजिट होगा तो इसी रीजन में होगा. ये जो इतना रीजन है, ये जो इतने पिक्सल्स हैं, ये एक्चुअली मेरे उतने काम के नहीं है. तो फीचर सेलेक्शन में क्या होता है कि आप अपने गिवन फीचर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हो. एक्सट्रैक्ट करने का मतलब निकालते हो, और बाकी जो उतने इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं होते हैं उसको आप हटा देते हो. इससे क्या होता है, आपका मशीन लर्निंग मॉडल का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है,
और स्पीड भी इंप्रूव हो जाता है क्योंकि आप कम छोटे डायमेंशन में काम करने लग जाते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसके ऊपर भी हम 2 से 3 वीडियो स्पेंड करेंगे, शायद उससे ज्यादा। यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बैकवर्ड सिलेक्शन, फॉरवर्ड एलिमिनेशन और इस तरह के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वो सब हम एक एक करके देखेंगे। तो दैट वॉज फीचर सिलेक्शन। द लास्ट वन इज फीचर एक्सट्रैक्शन। दिस वन फीचर एक्सट्रैक्शन इज द लास्ट थिंग। और इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो कि अपने गिवन कॉलम्स में से, गिवन फीचर में से कंप्लीटली नए फीचर्स क्रिएट करते हो, कंप्लीटली नए फीचर्स। और ये जो पूरी चीज होती है ये प्रोग्रामेटिकली होती है। दिस इज नॉट फीचर कंस्ट्रक्शन, बाय द वे, दिस इज नॉट फीचर कंस्ट्रक्शन। जैसे यहां पे अगर आप नोटिस करो, मैं आपको एक पहले नॉन मैथमेटिकल एग्जाम्पल देता हूं और फिर मैं आपको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल देता हूं, सो दैट आपको फीचर एक्सट्रैक्शन का कोर आइडिया समझ में आ जाए। सो लेट्स से आपके पास रियल एस्टेट का डेटा है, हाउसेस का डेटा है, और आपके पास डेटा ये है, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ वॉशरूम्स, राइट, और उसके बाद प्राइस। अब अगर आपसे कोई बोले कि आपको कोई एक कॉलम हटाना है तो आप कौन सा हटाओगे? आप एक्चुअली इनमें से कोई भी कॉलम जल्दी नहीं हटा सकते, बिकॉज एक हाउस का प्राइस गवर्न करने में रूम कितने हैं और वॉशरूम कितने हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होते हैं। सोच के देखो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट इनपुट होते हैं। तो अगर मैं किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाऊं और मैं बोलूं कि बॉस मुझे इन दो में से एक कॉलम को हटाना ही है, एक ही कॉलम को रखना है, तो बताओ मैं कौन सी चीज को हटाऊं, कौन सी चीज को रखूं, तो ही वुड से कि यार आप दो कॉलम्स ले क्यों रहे हो, आप एक ही कॉलम लो ना। Rather than taking rooms and washrooms, just take square feet में area, because at the end rooms और washrooms मिल करके आपके flat का square feet area ही तो बढ़ा रहे हैं। तो rather than going for two features, just go for one feature and that is आपका square feet area, आपका problem भी solve हो गया और इससे आपका price भी आप निकाल पाओगे। तो this is an example of feature extraction। अगर आप यहीं पर देखो, अगर आपको बोला जाए कि ये मेरा x और y एक्सिस है, दिस इज माई x एंड y एक्सिस, बेसिकली मेरे दो कॉलम्स हैं, दो इनपुट कॉलम्स हैं x और y, इसमें से मुझे एक कॉलम को हटाना है, किसी भी एक कॉलम को हटाना है, तो मैं किसको हटाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ न्यू सॉर्ट ऑफ एक्सिस, मैं ऐसा नया एक्सिस क्रिएट कर सकता हूं और फिर मैं उस एक्सिस से हटा दूंगा डेटा को जहां पे मेरा वेरियंस इज रिड्यूसिंग। एक्चुअली इस पार्ट को अगर आप इग्नोर करो, ये इन बॉल्स को अगर आप, इन डॉट्स को अगर आप इग्नोर करो, सिर्फ इन डॉट्स पे फोकस करो, तो अब आप क्या करोगे, आप ये जो नया एक्स डैश है इसको रख लोगे और ये जो वाई डैश है इसको हटा दोगे। सो इन अ वे आप क्या करते हो, आप जैसे ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये मैं पीसीए का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एक बहुत फेमस फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। ये क्या करता है, आपके गिवन एक्सेस, आपके गिवन फीचर्स को घुमा करके या रोटेट करके इन हाई डायमेंशनल स्पेस एक कंप्लीटली नए सेट ऑफ इनपुट फीचर्स बना देता है और फिर आप उनको यूज कर सकते हो, उनमें से आप सबसे यूजफुल वालों को यूज कर सकते हो, कम यूजफुल वाले को हटा सकते हो। दिस थिंग इज कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन। अब फीचर एक्सट्रैक्शन इस पॉइंट पर अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है, इट्स ओके, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। द होल आइडिया इज कि आपके पास जो गिवन इनपुट फीचर्स हैं उनके बदले आप कंप्लीटली नए फीचर्स क्रिएट करते हो और फिर लेट्स से अगर आपके पास 5 फीचर्स थे और आपने नए 5 फीचर्स क्रिएट किए, आप उन 5 में से 2 सबसे यूजफुल वाले यूज करते हो, 3 हटा देते हो, ठीक है। तो इन अ वे आप फीचर रिड्यूस भी कर रहे हो और पुराने वाले फीचर्स यूज नहीं भी कर रहे हो, इस तरह का एक चीज होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो है पीसीए और LDA, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, टीसने, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बट इस पॉइंट पे बस मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि फीचर एक्सट्रैक्शन भी आप यूज करते हो, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद हाई डायमेंशनल डेटा, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया, ये MNIST वाला डेटा सेट, ठीक है। तो गाइज, दिस इज द चार्ट एंड दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट प्रोबेबली 10-15 डेज। मैं इसके ऊपर बहुत फोकस करने वाला हूँ, ये करने के बाद ही हम एल्गोरिदम्स में मूव करेंगे। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट।
और या दैट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.